क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सिंह जाट, अपन 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसको डिस्कस कर रहे हैं। उसमें एक न्यू टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, उसको अपन डिस्कस करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन या जो संकरण है उसके अंदर दो तीन छोटी छोटी चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए, वो प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन डिस्कस कर चुके हैं। जैसे सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये सिग्मा बॉन्ड से अपने को अपन संकरण निकालेंगे कि जो भी अपने को यौगिक दिया गया है, जो भी अपने को मॉलिक्यूल दिया गया है ना, उसके अंदर कौन सा संकरण है, ये अपन उसी से पता अपने को पता चलेगा। तो जो संकरण या जो हाइब्रिडाइजेशन है उसकी पहली बात क्या है संकरण की, कि इसमें अपने को सिग्मा बॉन्ड का पता होना चाहिए कि भाई सिग्मा बॉन्ड इसके अंदर कितने हैं। दूसरा अपने को ये पता होना चाहिए कि दिए गए जो यौगिक है उसके अंदर लोन पेयर कितने हैं। लोन पेयर का मतलब होता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, या अपन सीधी भाषा में बोले तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, या सीधी भाषा में इसका मतलब होता है अबंधित इलेक्ट्रॉनों का आधा। जो अबंधित इलेक्ट्रॉन हैं उनका आधा, मतलब जिन भी किसी भी स्पीसीज में जो सेंट्रल एटम है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग ले लिए, उसके अलावा जो बच गए उसके आधे होते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या फिर लोन पेयर। ठीक है, तो जो अबंधित इलेक्ट्रॉन है ना उसके आधे होते हैं लोन पेयर, ये दूसरी चीज़। और सिग्मा बॉन्ड अपन प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं वैसे तो, कि चाहे एक डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, एक ही सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, चाहे डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो और चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक होगा। और लोन पेयर कैसे निकालेंगे, लोन पेयर जितने इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में भाग ले लिए उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन बच गए उसके आधे हमेशा लोन पेयर होंगे। इन दोनों को अपन किसी भी यौगिक में निकाल करके इन दोनों को अपन क्या कर लेंगे, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, इन दोनों को टोटल कर लेंगे। इनका टोटल जो आएगा उसी के हिसाब से अपना संकरण आ जाएगा। आपका जो थर्ड चैप्टर है 11th क्लास में एनसीईआरटी में भी और इसमें भी राजस्थान बोर्ड में भी जो थर्ड चैप्टर है उसमें संकरण दे रखा है। ठीक है, तो ये सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब इसमें सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर इनका टोटल जितना भी आ गया वो सब उसके हिसाब से संकरण होगा। अगर मान लो इन दोनों का टोटल कितना आ गया, दो आ गया। ठीक है, अगर इनका टोटल दो आ गया तो संकरण कौन सा होगा, एसपी। अगर इनका जो टोटल है वो कितना आ जाए, तीन आ जाए तो संकरण एसपी टू, मतलब दो तो पी के रहेगा इसका। अगर मान लो चार आ जाए इनका टोटल तो संकरण अपना आ जाएगा एसपी थ्री। अगर पाँच आ जाएगा तो एसपी थ्री डी। और अगर मान लो इनका टोटल कितना आ जाए, छः आ जाए, तब कितना होगा एसपी थ्री डी टू। और अगर मान लो सात आ जाए तब कितना होगा एसपी थ्री डी थ्री। ये बात हो गई, दो आएगा तो एसपी, तीन आएगा तो एसपी टू। अगर मान लो चार आ जाएगा तो एसपी थ्री, पाँच आएगा तो एसपी थ्री डी, छः आएगा तो एसपी थ्री डी टू और सात आएगा तो एसपी थ्री डी थ्री। ये अपन ऐसे थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे संकरण निकालने के लिए। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, कोई भी यौगिक लेंगे और बस उनमें प्रैक्टिस करेंगे। संकरण के ज़्यादा रूल वगैरह नहीं है संकरण निकालने के, मतलब है ना। तो संकरण निकालने के लिए बस इतनी सी चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो दिया गया यौगिक है उसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और उसके अंदर लोन पेयर कितने हैं, उन दोनों को टोटल कर देंगे। टोटल करने से जो आंसर आएगा दो तीन चार पाँच छः सात, उसके हिसाब से अपन संकरण का नाम बता देंगे। ठीक है, तो संकरण का नाम बता देंगे। अब मान लो अपने पास में कोई यौगिक है H2O, दूसरा यौगिक अपने पास में NH3, तीसरा है मान लो अपने पास में CH4। ठीक है, चौथा है अपने पास में मान लो H2SO4, पांचवा है PCl5। ठीक है, छठवा है POCl3। ठीक है, ये छह कंपाउंड है अपने पास में, छह यौगिक है, मॉलिक्यूल है। इनका अपने को एक एक का अपन डिस्कस करेंगे कि संकरण कौन सा है। तो जो H2O है उसमें पहले H2O, तो एक ऑक्सीजन और इसके साथ में दो हाइड्रोजन बंधे हुए हैं, तो इनको जोड़ दिया। ठीक है, अब इसमें सिग्मा बॉन्ड और जो लोन पेयर है उन दोनों को गिनेंगे। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, एक और एक दो, चाहे डबल बॉन्ड हो और चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो और चाहे सिंगल बॉन्ड हो, तीनों में सिग्मा बॉन्ड एक ही होता है, तो एक सिग्मा बॉन्ड हो गया।
अगर इसमें अगर कुछ दिक्कत है तो प्रीवियस जो लेक्चर हैं उनके वो जो वीडियो हैं उनको आप देखिए, उसमें मैंने सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर इन सब चीज़ों के बारे में या जो बॉन्डिंग है उसके बारे में अच्छे से बता रखा है। तो सिग्मा बॉन्ड इसमें कितने हो गए, एक और एक दो। फिर दूसरी चीज़ देखेंगे इसके अंदर है ना लोन पेयर कितने, तो जो ऑक्सीजन है इसके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्योंकि जो बाह्यतम कोष का इसीलिए लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उसमें जो बंध निर्माण में जो भाग लेने वाली स्पीसीज है वो क्या है, केवल संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही केवल बंध निर्माण में भाग लेते हैं, बाकी बंध निर्माण में कोई दूसरे इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते। जैसे आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन है वो बंध निर्माण में भाग नहीं लेते, और इस वजह से ही है ना अपन केवल आउटर मोस्ट सेल के या जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनकी बात करेंगे। तो जो ऑक्सीजन है उसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NH2NP4 होता है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ NH2NP4। तो इसमें 2 और 4 कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6। तो अपन इसको डिस्कस करेंगे। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 खर्च हो गए, मतलब 2 के साथ में इन्होंने कोवेलेंट कर लिया या शेयरिंग कर लिया, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन के साथ में इसने एक इलेक्ट्रॉन से इधर और एक इलेक्ट्रॉन से इधर शेयरिंग कर ली, तो 2 एक तरह से बॉन्ड में काम में आ गए या शेयरिंग हो गई। बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन, 4। तो अबंधित इलेक्ट्रॉन का आधा क्या होता है, लोन पेयर। तो अबंधित इलेक्ट्रॉन के आधे मतलब अबंधित इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 4, इसका आधा 2। तो इसके अंदर लोन पेयर कितने हुए, 2 लोन पेयर हो गए। तो 2 लोन पेयर हो गए, अब 2 और 2 4, तो इसमें संकरण कौन सा हो गया, sp3 ये वाला। इसके बाद में देखिए NH3, ये नाइट्रोजन और इसके साथ में 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 इसके साथ में हाइड्रोजन जुड़े हुए। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने, 1, 2 और 3, 3 बॉन्ड हो गए इसमें सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद में अपन क्या देखेंगे, लोन पेयर। तो लोन पेयर क्या होते हैं, जितने सिग्मा बॉन्ड बन गए उसके बनने में जितनी शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉनों की, उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन बच गए उसके आधे, यानी कि जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उनके आधे, अबंधित जो इलेक्ट्रॉन है उनके आधे क्या होंगे, हमेशा लोन पेयर होगा। तो 1, 2 और 3, 3 सिग्मा हो गए, इलेक्ट्रॉन कितने इसमें शेयरिंग हो गई, 3 सिग्मा है तो 3 से इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी। इधर देखो 1, 2 और 3, तो ये जो नाइट्रोजन है उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे। 5 इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ शेयरिंग हुई, एक की इधर और एक की इधर, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन जो बच गए उनके आधे कितने होंगे, 1। तो 1 क्या होगा इसमें, लोन पेयर। अब दोनों को टोटल करो, 3 और 1, 4, तो संकरण कौन सा हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में sp3d, ये किस में होगा, जो 5 है उसमें क्या होगा, या SCH4 जो मॉलिक्यूल है उसमें संकरण क्या होगा, तो ये कार्बन और इसके साथ में हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है इसके साथ में। तो चारों जो हाइड्रोजन है उसमें सिग्मा बॉन्ड देखिए, पहले तो 1, 2, 3, 4, तो 4 तो हो गए इसमें सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद में देखो लोन पेयर कितने हैं, तो लोन पेयर इसके जो कार्बन है उसके जो बाह्यतम कोष है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो कार्बन के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन होंगे कितने, 4 में से शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन की होगी, 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, तो कितने बचे, 0, तो 0 ही बचे। तो फिर लोन पेयर भी क्या होगा इसमें, 0, मतलब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के बाद में बचे ही नहीं। तो 4 में इसमें भी संकरण क्या होगा, sp3। अब इन तीनों कंपाउंड के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, उसके बाद में देखिए H2SO4 के अंदर, H2SO4 में, तो ये है सल्फर। और इसके बारे में भी मैंने ऐसे आपको पहले स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, नॉर्मल जो रफ स्ट्रक्चर है वो कैसे बना रखे हैं, ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर, एक ही लेक्चर के अंदर सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर और ये स्ट्रक्चर एक लेक्चर में मैंने पहले डिस्कस कर रखा है। तो इसके जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका बेसिक क्या होता है कि जितने हाइड्रोजन हैं उतने ही पहले OH बॉन्ड जोड़ दो, फिर जितने ऑक्सीजन बच गए उनको डबल बॉन्ड से जोड़ दो। तो इसमें 2 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन है, तो पहले तो जितने हाइड्रोजन उतने OH बॉन्ड जोड़ दो, तो उतने OH बॉन्ड जोड़ दिए मैंने। इसके बाद में इसमें ऑक्सीजन कितने बचे, 2 बचे, तो दोनों ऑक्सीजनों को जोड़ दिया, ये दोनों ऑक्सीजनों को जोड़ दिया, तो ये H2SO4।
अब H2SO4 के चार ये सिग्मा बॉन्ड, एक दो तीन अरे चार, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हुए? चार, तो चार तो हो गए सिग्मा। फिर इसके अंदर लोन पेयर, तो लोन पेयर देखने हैं, तो लोन पेयर देखने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले इसके सल्फर जो है उसके बायतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है ये देखेंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन है सल्फर के बायतम कोष में? छः, छः में से खर्च हो गए कितने, या फिर कितने इलेक्ट्रॉनों ने शेयरिंग कर ली, तो एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ शेयरिंग हो गई, दो इलेक्ट्रॉनों की यहाँ शेयरिंग हो गई, एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ हो गई और दो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे शेयरिंग हो गई, तो एक तीन चार और छः, तो छः इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट शेल में और छः की क्या हो गई शेयरिंग, तो उसके बाद में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? जीरो, तो लोन पेयर भी कितने हुए इसमें? जीरो, तो चारों की चारों क्या हुए इसमें? सिग्मा बॉन्ड। संकरण कौन सा हुआ? sp3 संकरण हुआ। इसके बाद में देखिए pcl5, तो ये तो हुआ cl फास्फोरस और ये cl, ये pcl5 अब जो फास्फोरस है इसमें पहले तो सिग्मा बॉन्ड गिन लो, तो जो फास्फोरस है उसमें सिग्मा कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 सिग्मा बॉन्ड हो गए। इसके बाद में इसमें लोन पेयर देखिए कितने हैं, इसमें मतलब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हैं, तो बायतम कोष में फास्फोरस के कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से कितने शेयर्ड हो गए? तो 1 2 3 4 5, 5 शेयर हो गए, बच गए कितने? 0, 5 में से 5 शेयर हो गए तो 0 इलेक्ट्रॉन बचे, तो इसका लोन पेयर कितना है? 0 लोन पेयर है, तो ये कितना हो गया? 5 का sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक है। तो ये इस प्रकार से अपन संकरण निकाले। इसके अलावा अपने पास में एक और बचा है POCl3, तो जो POCl3 है ये डबल बॉन्ड O और तीन Cl है, तो ये एक Cl, दूसरा Cl और तीसरा Cl, इसमें सबसे पहले अपन क्या करेंगे? सिग्मा बॉन्ड गिनेंगे, तो एक दो तीन और चार, तो चार तो इसमें क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। फिर उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसमें लोन पेयर देखेंगे कि भाई इसमें लोन पेयर कितने हैं, तो लोन पेयर कितने हैं इसमें? बायतम कोष में पहले इलेक्ट्रॉन देख लेंगे कितने, तो फास्फोरस जो है उसके बायतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? फास्फोरस के बायतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से एक शेयरिंग, 2 3 और 2 5, तो 5 की शेयरिंग होगी, तो लोन पेयर कितना बचा? 0 लोन पेयर, लोन पेयर कितना बचा? 0 लोन पेयर, तो इसका संकरण कौन सा हो गया? sp3 संकरण हो गया। इस प्रकार से अपने H2O NH3 CH4 H2SO4 CL5 और PCl5 इसके अंदर अपने क्या हो गया? हाइब्रिडाइजेशन या फिर संकरण अपन ने निकाल लिया। इसके बाद में अपन और डिस्कस करेंगे जिसके अंदर और मतलब एग्जांपल आ सके कि भाई संकरण के जो एग्जांपल है वो और आ सके। तो अगले एग्जांपल देखिए आप एक बार, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, इसके अंदर अपन पहले तो संकरण निकालते हैं कि जो नाइट्रिक अम्ल है उसमें कौन सा संकरण आएगा। तो HNO3 के अंदर जब भी अपन संकरण निकालेंगे तब एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, तो एक तो OH बॉन्ड, एक ऑक्सीजन को जोड़ दिया डबल बॉन्ड से और एक इसके पास में लोन पेयर है इसलिए इसको जोड़ दिया किससे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। ये तो इसकी रफ स्ट्रक्चर हो गई। इसके बाद में अपन इसमें क्या करेंगे, वही संकरण निकालने के लिए सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर गिनेंगे, तो सिग्मा कितने? 1 2 और 3, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक ही सिग्मा बॉन्ड मानते हैं, तो 1 2 और 3 इसमें सिग्मा हो गए। उसके बाद में इसमें लोन पेयर देखेंगे, तो लोन पेयर में नाइट्रोजन की बायतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, 5 में से 2 यहाँ पे खर्च हुए, 2 यहाँ पे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन खर्च होते हैं एक की, तो 2 यहाँ पे 4 और एक यहाँ पे 5, तो इसके अंदर 5 ही खर्च हो गए, तो 0 लोन पेयर बचा, मतलब इसके अंदर लोन पेयर है ही नहीं, लोन पेयर है ही नहीं, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हुए, तो तीनों जो सिग्मा बॉन्ड हैं उनके संकरण कौन सा हो गया? ये sp2 संकरण हो गया, ठीक है। उसके बाद में bf3 SnCl2
AlCl3। इसमें अपन क्या निकालेंगे, संकरण। तो जो BF3 है, BF3 में देखिए, BF3 का पहले तो ये संरचना नॉर्मल अपने ये संरचना बना ली, ठीक है। अब ये संरचना बना ली, अब इसके अंदर पहले तो सिग्मा बॉन्ड गिनेंगे, तो चाहे डबल हो और चाहे सिंगल हो, सिग्मा बॉन्ड एक ही होगा, तो एक सिग्मा बॉन्ड हुआ इसमें, एक दो और ये तीन, तो तीन तो ए सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर, बायतम कोष में इलेक्ट्रॉन देख लेंगे, बायतम कोष में बोरॉन के कितने इलेक्ट्रॉन है, तीन, तीन में से खर्च कितने हो गए, तीनों ही खर्च हुए 1, 2 और 3, तो तीनों ही खर्च हुए, तो लोन पेयर कितना बचे, 0। तो संकरण कौन सा हो जाएगा इसका, sp2 संकरण हो जाएगा। उसके बाद में SnCl2, Sn जो Cl2 है उसके अंदर अपन क्या देखेंगे, पहले तो इसकी रफ ऐसे डायग्राम बना लेंगे अपन, Cl और Cl ये बना लिया, इसमें सिग्मा बॉन्ड गिनेंगे, तो दो ही सिग्मा बॉन्ड है, दो सिग्मा बॉन्ड हुए। अब जो सल्फर है, सल्फर के अंदर अपन क्या करेंगे अब कि बायतम कोष में इलेक्ट्रॉन देखेंगे, बायतम कोष में पहले देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन है, तो बायतम कोष में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 में से 2 खर्च हो गए, कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे मतलब एक लोन पेयर बचा, जितने अबंधित इलेक्ट्रॉन होते उसके आधे तो होते, तो ये आधे हो गए, तो इसमें लोन पेयर कितना है, एक, एक इसमें क्या है, लोन पेयर है। संकरण कौन सा हो जाएगा, 2 और 1, 3 मतलब sp2। उसके बाद में AlCl3, तो ये एलुमिनियम और तीन Cl एटम जोड़ने इसके साथ में, तो ये तीन Cl एटम जोड़ दिए, तो तीनों जो Cl एटम हैं उन तीनों Cl एटम को अपन क्या करेंगे, पहले जोड़ दिया, उसके बाद में अपन इसमें सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर निकालेंगे, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, 1, 2 और 3, तीन सिग्मा बॉन्ड हुए, तो ये सिग्मा बॉन्ड हुए इसमें 3। उसके बाद में इसमें अपन लोन पेयर निकालेंगे, तो लोन पेयर देखिए 1, 2 और 3 तो सिग्मा हो गए। अब इसके लोन पेयर निकालने के लिए बायतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है ये चीज़ देखेंगे, तो एल्युमिनियम के बायतम कोष में बोरॉन जितने होंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन हुए, और तीनों ने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग की, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग अगर तीनों ने की तो इसमें लोन पेयर कितना हुआ, 0 लोन पेयर हुआ। पर इसमें संकरण कौन सा हो गया, 3 से sp2। ये संकरण की तरह से टेबल मैंने बना रखी है अलग से, तो जैसे 3 है तो sp2, 4 है तो ये, ठीक है, तो ये sp2 हो गया। उसके बाद में co2, तो ये co2, ठीक है। अब इसमें अपन क्या करेंगे, पहले तो अपन निकालेंगे क्या कि इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो इसमें 1 और 1 ही है, 2 सिग्मा हुए, तो 2 तो ये इसमें सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद में इसमें लोन पेयर कितने हैं, तो इसके अंदर जो लोन पेयर होंगे वो कितने होंगे, 1 और 1 2 सिग्मा हुए, लोन पेयर कितने होंगे, पहले देखेंगे कि इसके बायतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो बायतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 में से खर्च कितने हुए, 2 इधर और 2 इधर, तो 0 इलेक्ट्रॉन बचा, तो इसमें लोन पेयर भी कितने हुए, 0 लोन पेयर हुए। तो संकरण कौन सा हुआ इसके अंदर, 1 और 1 मतलब 2, तो sp संकरण हुआ। संकरण कौन सा हुआ, sp संकरण हुआ। ये sp संकरण हुआ। उसके बाद में अपने पास में एग्जाम्पल बचा कौन सा, H2CO3, तो H2CO3 को देखिए इधर, H2CO3, पहले इसका रफ डायग्राम बना लेते हैं। दो हाइड्रोजन है इसके पास में, अगर इसके पास में दो हाइड्रोजन परमाणु हैं तो पहले तो लिखेंगे क्या, 2OH, तो कार्बन से अपन ने पहले तो 2OH जोड़ दिए, फिर एक और ऑक्सीजन परमाणु बचा, तो ऑक्सीजन परमाणु बचा तो एक इसको क्या कर लेंगे अपन, ऐसे एक ऑक्सीजन परमाणु को जोड़ दिया डबल बॉन्ड से। अब इसमें सिग्मा कितने, 1, 2 और 3, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, 3 सिग्मा बॉन्ड हुए, ठीक है। अगर इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड हुए तो इसके अंदर लोन पेयर कितना होगा, 1, 2 और 3, तो 3 सिग्मा हुए, तो संकरण कौन सा हो जाएगा, sp2, क्योंकि इसमें लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर कैसे नहीं है, इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन थे बायतम कोष में, 4 में से एक इधर खर्च हुआ, एक इधर, 2 खर्च हो गए और 2 इधर खर्च हो गए, तो टोटल 4 के 4 खर्च हो गए, फिर लोन पेयर कहाँ से बचेगा, तो
तो इसमें संकरण कौन सा जगह है, एक दो और तीन, तीन ही सिग्मा, तो एस पी टू संकरण हो जाएगा। थैंक यू। अपन नेक्स्ट जो इसके एग्जाम्पल हैं वो प्रीवियस मतलब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर